तो द्वादश मंजरिका श्रोत्र पे हम चर्चा कर रहे हैं। आदि शंकराचार्य द्वारा ये लिखा गया भजन है। अल्फाबेट बी बी से सारे भजनों पे हमारी चर्चा हो रही है। तो आठ प्यारों तक हमने कल चर्चा कर ली थी। काते कांता कस्ते पुत्रा संसारोयम अतीव विचित्रा। तो इससे आगे की चर्चा कर रहे हैं। सत्संगत्वे निस्संगत्व। अब कोई इस तरह का अगर वैराग्य किसी के अंदर होता है, वो कहता है कि काते कांता, किसकी पत्नी किसका पुत्र, ये सारा रिश्तेदारी तो इस दुनिया का ही है। तो अगर इस तरह का वैराग्य लाना है तो करना क्या पड़ेगा? तो कह रहे हैं सत्संगत्वे निस्संगत्व, निस्संगत्वे निर्मोहत्व, निर्मोहत्वे निश्चल तत्व, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। तो इसमें कह रहे हैं कि सत्संगत्व निस्संगत्व, अगर आपको बहुत अधिक आसक्ति है किसी भी वस्तु में, किसी भी कार्य में, किसी भी विषय भोग में, तो सत्संग को बढ़ाना चाहिए। मतलब अपने श्रवण को, अपने सेवा इत्यादि को, इन सब को बढ़ा देने से सत्संगत्वे निसंगत्व, तो हमारा जो आसक्ति है उसमें वो खत्म हो जाती है, विषय भोगों में जो आसक्ति है। तो इसका मतलब ये है, अनासक्ति का तरीका उस वस्तु से घृणा करना नहीं है, या फिर उससे कोई बहुत विवाद करना नहीं है, बल्कि अनासक्ति का तरीका है कि अपनी आध्यात्मिक आसक्ति को बहुत बढ़ा दिया जाए। किसी भी वस्तु में आसक्ति बढ़ती कैसे है? उसको करने मात्र से, बार बार करने से। जैसे फिल्म के गाने होते हैं, शुरू शुरू में हमको नहीं पता था कि ये जो है ये कोई मूवी है और उसका गाना है, लेकिन जब बार बार उस गाने को सुनते हैं, उसकी मूवी देख लेते हैं, तो फिर एकदम से वो गाना याद हो जाता है। तो बार बार ये जो संग करते हैं उसी से तो वो याद होता है। तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि अगर निसंगत तो प्राप्त करना है तो सत्संगत्वे, सत्संग से प्राप्त होगा, अपना सत्संग बढ़ा देना चाहिए। सत्संगत्वे निसंगत्व, निस्संगत्वे निर्मोहत्व, निस्संगत्वे निर्मोहत्व। निर्मोहत्व मतलब क्या होगा? सत्संग से निस्संग आएगा, मतलब अच्छा संग छोड़ने का बल मिलेगा। कई बार लोग ये कहते हैं कि प्रभु जी कुछ भी हो, लेकिन प्रभु जी हमसे छूट नहीं पा रहा है, छूट ही नहीं पा रहा है, प्रभु जी क्या करें, आसक्ति बहुत है उसमें। हाँ जानते हैं, सब पता है, सही बात है, सब कुछ जानते, लेकिन तभी भी छूट पा रहा है। तो इसका क्या है, आपका थोड़ा डोज ज्यादा है बस। जैसे किसी किसी को पैरासिटामोल की डोज लगती है ना, जैसे मुझे 200-300 mg वाला जो रहता है वो काम नहीं करता, तो मुझे थोड़ा 600 और 1000 चाहिए होता, तभी अब तो पता चलता है। तो उसी तरह से ये जो सत्संग है, अब आपको जो है क्वालिटी और क्वांटिटी में इनहेंसमेंट करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आप कहते हैं कि प्रभु जी दिन भर तो लेक्चर सुनती हूँ, या दिन भर तो प्रभु जी सब कुछ करते ही है, तो फिर क्या करें? तो उसकी क्वालिटी बढ़ाइए, उसमें अटेंशन बढ़ाइए। ये सब बढ़ाने से धीरे धीरे उसका जो आसक्ति है वो कम हो जाए। फिर कह रहे हैं सत्संगत्वे निस्संगत्व, निस्संगत्वे निर्मोहत्व।
अब जब निस्संग थोड़े दिन आप दूर रहेंगे ना उस चीज से, जब थोड़े दिन दूर रहेंगे तब क्या आएगा, तब उसका भ्रम टूट जाएगा कुछ दिन। जब वो मोह रहता है तब तक तो उसका भ्रम नहीं टूट पाता, क्योंकि वो पास में रहता है, क्योंकि पास में रहता है, बार बार अवेलेबल रहता है, तो उसका मोह का एक वो टूटता नहीं। लेकिन जब कुछ दिन दूर रहेंगे तो फिर आप देखेंगे कि वो मोह टूट जाता है, फिर उसको हमको समझ में आ जाता है, ओ ये तो बेवकूफ बनाया जा रहा था हमको। फिर हमको समझ में आ जाता है ना। तो कुछ दिन थोड़ा दूर पहले क्या करना है, स्टेप क्या है अनासक्ति का? पहले स्टेप है कि भाई अपने सत्संग को बढ़ा दीजिए, अपने को बिजी बहुत कर दीजिए, सबसे पहले खूब बिजी कर दीजिए। सुबह शाम दिन रात बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं, लेक्चर्स में एंगेजमेंट है, साथ में सेवा है, कुकिंग है, बहुत सारी चीजों में एकदम बिजी कर दीजिए सबसे पहले। फिर उसके बाद क्या होगा, उससे आएगा निसंगत्व, उससे अब उसमें उसको वो पास ज्यादा नहीं हो पाएगा आपकी, अपॉर्चुनिटी और टाइम ही नहीं रहेगा आपके पास, कोई ऐसा अवसर ही नहीं आएगा जब वो वस्तु विषय भोग की वस्तु आपके पास आएगी। जब वो विषय भोग की वस्तु आपके पास नहीं आएगी और आपके पास समय नहीं रहेगा तो अटैचमेंट थोड़ा कम हो जाए, और जब अटैचमेंट धीरे धीरे कम होगा तो निस्संगत्व निर्मोहत्व, जब वो पास ज्यादा नहीं रहेगा तो कुछ दिन बाद भूल जाएगा। और उसका जो भ्रम है, उसका जो भ्रम है, जैसे मान लो किसी स्त्री से किसी को आसक्ति हो जाती तो बहुत आसक्ति रहती है, बहुत आसक्ति, जब तक वो सामने रहे तो बहुत आसक्ति रहती, चाहे एकदम चाहे जैसा भी, जैसे फुल मेकअप करके आए, चाहे बिना मेकअप के आए, जैसा भी आए, बहुत आसक्ति रहती है। वो पास रहते तो एक अलग ही वो ये आसक्ति हो जाती। फिर उसके बाद अगर बहुत बिजी हो गया तो कुछ दिन बाद दूर चले जाएंगे, फिर कुछ दिन बाद पता चलेगा कि उनका विवाह इत्यादि हो गया कहीं और फिर सारा सारा भ्रम टूट जाएगा। फिर जब आप बाद में उनको देखेंगे तो ये इसके लिए मैं इतना पागल था छी। तो बाद में फिर वो जब थोड़े दिन उनका मोह का ऑरा खत्म होता है तो फिर वो मोह टूट जाता है, जब मोह टूटता है तो हमको समझ आ रहा है ये तो बुढ़िया के जैसे लगती है, इतना कोई इतना सुंदर नहीं है, हमको इतना आसक्ति हो कैसे गया इससे, है ना। तो ये क्या है, फिर मोह टूट जाता है। निस्संगत्व निर्मोहत्व, कुछ दिन उससे दूर रहिए ना तो बस फिर मोह फिर उसका खत्म हो जाए। फिर क्या होगा, फिर निर्मोहत मोहत्वे निश्चल तत्व। अब जब मोह नहीं रह जाएगा ना किसी से भी कहीं भी कभी भी, सारे मोह खत्म हो जाएंगे क्योंकि उनका भ्रम टूट जाएगा सारा। जो सुंदर स्त्री का भ्रम है वो तो 4-5 साल सुंदर रहती है, या सुंदर पुरुष का भ्रम है वो तो जवान जब एज होते हैं कि भाई कौन उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा आगे चल के, उन्हें तो रक्षा करना पड़ता है। एक बार एक माता जी मुझे बोलने लगे कि प्रभु जी मुझे अपने पति को जैसे ही वो मुझे टच करते मुझे करंट आने लगता। एक बार छत से कूद गई, प्रभु जी मुझे केवल कृष्ण से प्रेम है और किसी से प्रेम नहीं, मुझे आपके साथ आश्रम में रहना है और कहीं आश्रम में आप मुझे ले जाइए। मैंने उनको रियलिटी बताया, मैंने कहा देखो ये जो वृंदावन में आ जाते हैं कोई स्त्रियां जो आकर के ऐसे ही रहने लगते हैं, बाद में वो कोई बाबा जी से विवाह कर लेते हैं और बहुत आसक्ति हो जाती है, तो उसका शोषण होता है और क्या, ऐसी स्त्रियों का जो किसी पति के आश्रय में रहती है, पुत्र के आश्रय में रहती है, भले चाहे वो खाना ही क्यों ना बना रही है, प्रसाद भोग बना रही हैं, लेकिन उनकी जो वैल्यू है, उनकी जो महिमा है वो बड़ी रहती है। जो स्त्रियां जा करके ऑफिस में वर्क करती हैं सब लोग उनको भोग दृष्टि से देखते हैं, इंतजार करते हैं कि कब वो झुकें बैठें तो उनके शरीर के अंग दिखें, ये सब करते रहते हैं।
जो वर्किंग वुमेन है, 85% ऑफ वर्किंग वुमेन हैव बीन सेक्सुअली मोलेस्टेड और सेक्सुअली टॉर्चर्ड इन सम और द अदर वे। आप सोच रहे हैं, 85% का मतलब है कि 10 में से 8.5 10 में से मतलब 1.5 ही बचते हैं जो कि आईटी इंडस्ट्री में या किसी भी जगह पे काम करते हैं, उनके साथ कुछ ना कुछ इस तरह का कार्य हो चुका। अभी कुछ दिन पहले हमारे दामोदर लीला प्रभु जी ने शेयर किया, एक चीफ जज, सिविल जज, एक जो स्त्री थी वो बता रही थी कि मेरे साथ सारा अन्याय हुआ है और मैं बोल नहीं पा रही और मैं जज हूँ। जो एमपी हैं, एमएलए हैं, सब लोगों ने ये जो है उनको इस भोग दृष्टि से देखा और ये कार्य हुआ उनके साथ। तो आप सोच रहे, वो सुसाइड का नोट उन्होंने लिखा था और कहा कि हम मैं एग्जाम क्वालिफाई किया मैंने कि जज बनूंगी तो मैं सबको न्याय दूंगी, लेकिन मैं अपने साथ न्याय नहीं कर पा रही। तो जब मोह टूटता है, निर्मोहते निश्चलता, तब फिर एक निश्चलता आती है। सारी वस्तु देख करके उसका बैकग्राउंड याद रहता है ना कि अच्छा ये, ओ ये तो ऐसे है, तो मोह फिर टूट जाता है। जब मोह टूट जाता है तो मुझे याद है कि मैं पहले भी मैंने बताया, एक बार मैं जब तैयारी वगैरह कर रहा था तो मैं बड़ा पढ़ाई वगैरह करता था और देखने में बड़ा तपस्वी है, बड़े बड़े बाल थे, एक जीन्स और कुर्ता पहनता था और शिव जी का भक्त था और मौन व्रत रहा करता था, कभी 3 महीने कभी 6 महीने बड़ा। तो फिर एक माता जी थी, उन्होंने मुझे एक लव लेटर लिखा। उसमें लिखा कि तुम्हारे बिना जी नहीं सकते और मर जाएंगे और बहुत सारा चीज लिख दिया है कि मेरे जीवन में आकर तो देखो, अपना बना कर तो देखो, ऐसे करके लिखा था। कुछ पूरा याद नहीं है मुझे इतना ज्यादा, वो तो भूल ही जाता है, मैं बता रहा हूँ ना, निसंगत्व निर्मोहत्व। तो फिर हमने बैग वैग पैक किया, वहां से एक ऑटो बुलाया, बड़ा वाला जो ऑटो होता है, उसमें पापा को बुलाया पर पापा नहीं आ पाए थे। तो फिर वो एक ऐसे ही बुलाया, सारा सामान रखा, वहां से मैं शिफ्ट हो गया, वहां कहीं और चला गया मैं। बस फिर क्या, फिर कुछ सब भ्रम दूर हो गया, कुछ भी नहीं था। मैं चला गया इंजीनियरिंग वगैरह। उसके बाद फिर मैं बाद में फिर 2 साल बाद एक बार मैंने सोचा कि ये मर गई होगी बेचारी, है ना, क्या बेचारी, देखो इतना कह रही थी, मर गई होगी बेचारी। तो लोगों ने बताया कि नहीं, उसकी शादी वादी हो गए, 2-3 बच्चे हैं, सब ठीक है। सब मोह टूट जाता है। ऐसे ही बस दुनिया में बना देते हैं कि, है ना, उसको पाना मेरी जिंदगी का मकसद है ना, कुछ नहीं होता मकसद। कुछ दिन बाद वो मकसद है खर्चा बचाने के लिए, भाई यार पढ़ने वाला लड़का है, अच्छा दहेज भी नहीं लेगा, लव मैरिज हो जाएगी तो दहेज नहीं लगेगा ना, और बढ़िया पढ़ने वाला लड़का है, आराम से सरकारी नौकरी वाला मिल जाएगा, जीवन सुखी सुखी कट जाएगा। वो तो अपना टेक्निकल सोच रहे, हम सोच रहे कि हमारे बिना मर जाएंगे। तो ये जो संसार में, इसको देखो, शंकराचार्य, ऐसा नहीं कि शंकराचार्य की गर्लफ्रेंड थी, लेकिन शंकराचार्य को पता है सारा चीज, क्यों, क्योंकि ज्ञान कृष्ण से आता है, ज्ञान कृष्ण से आता है, इसी तरह से भक्ति कृष्ण से आती है। जब हम भगवान के लिए प्रयास करते हैं तो इस संसार के लोग प्रसन्न होकर के हमें कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि वो तो कहते हैं सवेरे सवेरे चले आते हैं गीता बांटने से, कुत्ते तक बड़ा निरादर करते हैं, भौंकने लगते हैं, लेकिन कृष्ण इस प्रयास को देख करके हमको शुद्ध भक्ति प्रदान करते हैं, हमें रक्षा प्रदान करते हैं और हमें आध्यात्मिक आनंद प्रदान करते हैं। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि क्यों आप ये कर पा रहे हैं, क्योंकि आपकी आध्यात्मिकता में रुचि है, क्योंकि आप आध्यात्मिक, अगर आप विनम्र रहेंगे, अगर आप सहनशील रहेंगे तो आपको क्या मिलता है, फिर महाराज सब लोग बोलते हैं आध्यात्मिक आनंद, तो महाराज जैसे बोलते आध्यात्मिक सुख, है ना, दिव्य सुख की प्राप्ति होगी आप। तो बार बार मैं सोचता था क्या दिव्य सुख, दिव्य सुख यही है कि सहनशीलता, विनम्रता, अपने मर्यादाओं का पालन करना, नियमों का पालन करते हुए, 4 नियम का पालन करना, 16 माला का जप करना ध्यान पूर्वक, ये सब करते हुए भी कृष्ण की सेवा से विचलित नहीं होना, मान सम्मान, लोग क्रिटिसाइज करेंगे, बदनाम करेंगे, बहुत सारी चीज करने पर भी
जो व्यक्ति निश्चल भाव से भगवान की सेवा में लगा रहता है और हर एक परिस्थिति को अपना सौभाग्य समझता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है भगवान की कृपा का प्राप्त होता है, क्योंकि ये निश्चय है कि देने वाला केवल कौन है, रहीमदास जी इसको कहते हैं। तुलसीदास ने एक बार देखा कि रहीमदास जी उल्टा मुंह करके दान कर रहे हैं, तो तुलसीदास जी ने कहा कि अरे अभी उल्टा मुंह करके दान क्यों कर रहे हैं, तो कहते हैं कि देनवार कोई और है मतलब देने वाला तो कोई और है, जो हमें दे रहा है तभी तो हम उसको दे रहे हैं, हम तो नंगे पैदा हुए थे। कह रहे देनवार कोई और है जो दे रहा है, और लोग रहीम का नाम लेते हैं कि रहीमदास दान करता है तो इसको यहां पर बता रहे हैं निर्मोहत्वे निश्चल तत्व। जब मोह हट जाता है ना तो एकदम निश्चल हो जाते हैं, फिर निश्चल हो जाती, फिर मन जो है इधर उधर नहीं भटकता, और निश्चल तत्व जीवन मुक्ता। और जो किसी मोह से जिसका मन चलायमान नहीं होता है, जिसका मन किसी मोह से चलायमान नहीं होता है, वो कौन है? वो जो जिसका मन किसी भी मोह से चलायमान नहीं होता है वो क्या है? वो तो जीवन मुक्त है। जीवन मुक्त का मतलब, जीवन मुक्त का मतलब वो जी रहा है लेकिन वो मुक्त पुरुष है, जी रहा है, देखने में लग रहा है कि जी रहा है, हमारे जैसे ही जी रहा है, सब्जी की दुकान पे जाता है और कभी वाटर बॉटल लेता है, कभी कुछ लेता है, सब कुछ करता है, देखने में लगता है कि हमारे जैसे ही, वो भी ऑटो है पे बैठ रहा है, वो भी कार में जा रहा है, हमारे जैसे ही सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो जीवन मुक्त है। तो इसको जो कितना सुंदर देखो बताया है आदि शंकराचार्य ना, सत्संगत्वे निस्संगत्व, निस्संगत्वे निर्मोहत्व, निर्मोहत्वे निश्चल तत्व, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ता। और जब निश्चल हो जाएंगे, जब इस तरह से किसी भी मोह से हमारा मन भ्रमित नहीं होगा, लेकिन ये जो निश्चल तत्व है ये हमको कृपा से प्राप्त करना चाहिए, ये हमको ऐसे नहीं कि हमको कृपा से ही प्राप्त होगा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े तपस्वी रहे, बहुत बड़े बड़े लोग रहे, लेकिन वो लोग सब 60-60 हजार साल तक तपस्या करने के बावजूद भी इतने साल तक तपस्या करने के बावजूद भी उनको ये निर्मोहत्वम प्राप्त नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो भक्त होता है वो विनम्र होता है। वो कहता है ठीक है, माया बहुत शक्तिशाली, चलो कोई बात सॉरी हम नहीं, माया देवी आती हैं, 3 दिन तक लगातार आएंगी और फिर कई बार आकर्षित करने का प्रयास भी करेंगे, लेकिन हम वो कहेंगे कि ठीक है नहीं, मैं मुझे छोड़ दीजिए, मैं आप देखिए मैं तो आपके कृष्ण का ही दास हूँ, है ना, नहीं क्या मुझे छोड़ दीजिए ताकि आप चाहें। और भक्तों के साथ ऐसा होगा कि कृपा के रूप में भक्तों का संग आएगा, गुरु जी आएंगे, सब लोग आ करके आपको बचा लेंगे, है ना, नहीं कृष्ण किसी न किसी रूप में आएंगे और आपको मोहित नहीं होने देंगे, क्योंकि भक्त और ज्ञानी में यही तो अंतर है। ज्ञानी जो होता है वो एक बंदर के बच्चे के समान होता है, उसने खुद अपनी माँ को पकड़ा है, तो वो अपने प्रयास से, अपने लॉजिक से और इन सब से कि इसमें मोह नहीं है, ये है वो है, ये सब समझ के स्त्री का शरीर ऐसा है, पुरुष का शरीर ऐसा है, या फिर धन ऐसा है, जन ऐसे हैं, ये सब लॉजिक से, वो ये केवल तभी के लिए है जब तक भगवत कृपा नहीं प्राप्त हो जाती। जिसको भगवत कृपा से निर्मोह प्राप्त हुआ है, इसको भगवत कृपा से निश्चलत्व प्राप्त हुआ है, वो व्यक्ति का निश्चलत्व प्रामाणिक विश्चलत्व होगा, मतलब परफेक्ट होगा, उसको फिर ज्यादा भ्रम नहीं होगा।
और बल्कि वो ही व्यक्ति ऐसा क्वालिफाइड है कि वो सभी वस्तुओं को, मोह देने वाली वस्तुओं को भगवान की सेवा में लगा सकता है। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हमने इस प्यार के ऊपर चर्चा किया। फिर उसके बाद और भी बहुत ही सुंदर प्यार है वैसे तो। वयस गते कह काम विकार, शुष्के नीरे कह का सारा, क्षीण ने वित्ते कह परिवार, ज्ञाते तत्वे कह संसार। क्या कितना शुद्ध बता रहे हैं, कह रहे हैं कि चलिए इसको थोड़ा सा देख देते हैं कि एक बार ये जो यंग एज है ये खत्म हो जाती है तो फिर ये जो काम वासना है, जितनी अभी देख करके जितना लगता है सब खत्म हो जाता है। सारा मतलब वासना खत्म तो नहीं होती, पर उसमें कुछ बल नहीं रह जाता कि आप ज्यादा शक्ति नहीं रहती, तो वासना बस रहती है हृदय में पर उसको संतुष्ट नहीं कर पाती। जैसे किसी झील में, झील तो है, झील है लेकिन उसके अंदर पानी अगर नहीं है तो किस काम का है। उसी तरह से कह रहे हैं कि जितने भी रिश्तेदार नातेदार हैं, पैसे आपके पास नहीं है तो सब भाग जाएंगे। हो सकता है कि इनविटेशन भी ना दें, ना कोई दूर के भी रिश्तेदार हैं, लेकिन मेरे मामा जी हैं तो एसपी थे पर अभी तो रिटायर हो गए, तो कमिश्नर ऐसे कुछ होके रिटायर हुए। तो मैं देखता था कि कोई बहुत दूर का भी रिश्तेदार है तो वो भी उनको सपरिवार निमंत्रण देता था। पैसे खत्म हो जाएंगे तो सब रिश्तेदार लोग टाटा टाटा करके चले जाएंगे, सब लोग चले जाएंगे। तो कह रहे हैं कि जब इस संसार का सत्य हमको पता चल जाएगा, जब इस संसार का सत्य पता चल जाएगा तो फिर ये संसार कहाँ रह जाएगा। जब ये पता चल जाएगा कि ये तो जीवन मुक्त होने के लिए, ये तो जन्म मृत्यु से के चक्र से निकलने के लिए भगवान की सेवा 24 घंटे करके, कृष्ण को गुरु को प्रसन्न करके, जीवन मरण से मुक्ति का एक तरीका है ये। बस ये शरीर इसीलिए मिला हुआ है कि आप जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएं। तो जिसको ये पता चल जाता है उसके लिए सच, अगर किसी को पता चल जाएगा इस संसार का सच क्या है, मैं कृष्ण का हूं, ये सब जीव भी कृष्ण के हैं, इस तरह से अगर किसी को पता चल जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर उसके लिए जो जन्म मृत्यु का चक्र नहीं रह जाएगा, तो जन्म मृत्यु का चक्र तो तुरंत ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। हम आदि शंकराचार्य के इस बड़े प्रमुख भजन के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और इसको अभी हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आए हुए हैं, आप लोग देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हो, हमारे कार्टन्स आ गए जहाँ डिवोटीज हैं, ये हमारी गाड़ी है। तो अभी यहाँ से बुक डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होगा, अभी तो नहीं होगा, थोड़ी देर तो लोग नहीं होते हैं, लेकिन फिर उसके बाद यहाँ पे तो हम लोग, ये संजौली इलाका है यहाँ का, बहुत ही ठंडा जगह है ये शिमला, तो जो हमारे ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर क्लोज कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। आज हम प्रश्न उत्तर नहीं ले रहे हैं। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप नोट कर लीजिएगा, कल परसों जब भी हमारा समय रहेगा तो हम इसकी चर्चा करेंगे। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्य प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्ण।